हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डेज विद मी। लास्ट पोस्ट में मैंने दिखाई थी कैसे रोटी से आप लोग पकौड़ा बना सकते हो। आज मैं दिखाऊंगी रोटी से कैसे पिज्जा बना सकते हो। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, रोटी नहीं खाना है, किसने इन्वेंट किया है रोटी, रोज़ क्यों रोटी खाना पड़ता है, अगर रोज़ हम लोग पिज्जा खाते तो कितना अच्छा होता। हाँ, आप एक काम कीजिए, रोटी से ही उन लोगों को पिज्जा बना के दीजिए, बहुत यमी और टेस्टी होता है। और बारिश में पिज्ज़ा बाहर से ज़्यादा ऑर्डर करना भी नहीं चाहिए, घर का खाना हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए बहुत इजी प्रोसीड्यूर में आप लोगों को मैं दिखा दूँगी कैसे बनाते हैं घर में पिज्ज़ा, वो भी घर में पिज्ज़ा बेस बना के नहीं, मैं दिखाऊँगी रोटी का पिज्ज़ा। मेरी चैनल की जाने के साथ साथ मैं दिखाती हूँ रोटी का पिज्जा। हाँ, तो आप लोग देखने के पहले मेरी चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, ये रोटी है और मैंने इसे कांची से काट लिया। आप ऐसे छुरी से, कांची से, कोई भी शेप में काट लीजिए, जितना छोटा कर सकेंगे उतना अच्छा है। जो पोस्ट पकौड़ा का था उसमें भी मैंने यही दिखाई थी, और उसमें मैंने चिली दूंगी, ग्रीन चिली और ऑनियन भी दूंगी, आप लोग स्किप भी कर सकते हो। और बेसन दूंगी, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए सिर्फ बेसन ही यूज़ करेंगे वो लोग, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो मैं बोलूँगी बेसन स्किप करके आप लोग सेब एक भी यूज़ कर सकते हो। उसमें 3-4 एक लगता है, तो आप लोग वो यूज़ करके बना सकते हो बेसन के साथ भी। और अगर आप लोग नॉन वेज नहीं खाते हो तो एक हटा दीजिए, सिर्फ बेसन के साथ ये पिज्ज़ा बनाइए। पर मैं आज दोनों ही यूज़ करूँगी, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा एक। तो ये सब कुछ रेडी है, अभी इसको बनाना है। अच्छा, इसके साथ आप थोड़ा सा चीज़ क्यूब भी ले लीजिए, कोई भी कंपनी के, और ग्रेटेड ग्रेट करके भी ले सकते हैं, पहले से ग्रेट करके भी आजकल मार्केट में मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। चलिए, बेसन में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, उसके साथ मैं डाल दूँगी ये कटा हुआ जो चॉप्ड ऑनियन एंड चिली, ग्रीन चिली है वो। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आप स्किप कर सकते हो, मैं पकौड़ा के साथ दिखा रही थी, और इसमें ऑनियन और ये चिली देने से बहुत टेस्ट होता है, पर आप ये स्किप कर सकते हो। तो इसमें पानी डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स बना लूँगी। अभी यहाँ भी मैं बोलती हूँ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चिली पाउडर और जीरा पाउडर दे सकते हो अगर मन चाहे तो। मैं नहीं देती हूँ, मैं जब रोटी का पकौड़ा बनाती हूँ तब भी कभी कभी देती हूँ, हमेशा एक जैसा खाना बनाना अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं ये दिखा रही हूँ, आप लोग चाहो तो वो मिक्स कर सकते हो। देखिए, मैं अच्छा से मिक्स कर लूँगी, और ये अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, और जैसे बैटर होता है उससे तो थोड़ा पतला ही मैं बनाऊंगी ये। और देखिए, ये अभी मोटा सा एक बैटर जैसा बन गया है ना, अभी थोड़ा थोड़ा 1 स्पून पानी देके इसको मैं रोटी के साथ ऐड कर दूंगी। देखिए, रोटी के साथ ऐड कर दिया, अभी ये अच्छा से रोटी के साथ मिक्स कर रही हूँ। मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं ऐसे मिक्स करने के प्रोसीड्यूर देख रही हूँ, बाद में मैं अच्छा से हाथ से मिक्स कर लूँगी। और ये अच्छा से मिक्स करने के बाद, अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो आप लोग इसमें एक भी मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और अगर आप नॉन वेज पसंद करते हो आप बेसन ना देके सिर्फ एक से भी बना सकते हो। मैं कभी कभी वो भी करती हूँ, पर आज मैं दोनों प्रोसीड्यूर एक साथ दिखा रही हूँ कि जो लोग वेज खाते हैं सिर्फ बेसन दे, जो लोग नॉन वेज खाते हैं सिर्फ एक दे सकते हो, और मिक्स करके भी दे सकते हो जैसे आज मैंने दिया।
अभी इसको अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा। ये मिक्सिंग बहुत अच्छा से करना पड़ता है क्योंकि इसके बेसिस से ही जो पिज्ज़ा बेस होगा वो होगा। और ये मिक्स करने के बाद ऐसे थोड़ा सा टाइम रख दीजिए। इसमें होता है कि रोटी थोड़ा सा नरम होकर स्टिकी भाव आ जाता है। स्टिकी होने से ही होता है, तो नहीं तो नहीं बेस नहीं होगा। अभी गैस चला लीजिए, गैस के ऊपर फ्राइंग पैन रख दीजिए। मैं ये ज़्यादा फ्राइंग पैन से करती हूँ क्योंकि कढ़ाई में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर आप लोग अगर कढ़ाई में कम्फर्टेबल हो, जो लोग कढ़ाई में खाना पकाते हैं वो लोग कढ़ाई में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग ऑयल ब्रास करके भी ले सकते हो, या ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऑयल है ना, तो ऐसे ऐसे फ्राइंग पैन मूव करने से भी ये ब्रास जैसा ही हो जाता है। तो अच्छे से ब्रास करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा ऐसे तेल गर्म होने से पतला हो जाता है, तो पूरा फ्राइंग पैन में ये आ गया। अभी इसके ऊपर ऐसे मैं दे दूँगी, देखिए ऐसे मैंने दे दिया। इसको मैंने अच्छा से एक शेप बना दूंगी और थोड़ा सा पतला भी कर लूँगी, क्योंकि मोटा होगा तो अंदर वाला जो है उसमें एग और बेसन है वो फ्राई नहीं होगा, पकेगा नहीं। तो ये हाथ से मैं अच्छा से प्रेस करके दूंगी। ये आपके हिसाब से आप कीजिए। आप ये बेस से दो छोटा छोटा भी कर सकते हो और एक बड़ा भी कर सकते हो। मैं एक ही कर लेती हूँ। और अभी मैं इसको ऐसे जो इसके साथ हेल्प से मैंने प्रेस करके एक शेप बना दूंगी। राउंड भी कर सकते हो, मैं उतना राउंड बाउंड नहीं करती हूँ। मैं कर लेती हूँ, जो कर लेती हूँ उतना टेस्टी होता है, बच्चा खा लेता है। तो ऐसे जितना चाहे मैं कर दिया। और एक बात मैं बताऊँगी, यहाँ पे एक ट्रिक्स है। तो जैसे ये नीचे करने के टाइम, मतलब ये जब कर रही हूँ ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा ये हिल रहा है कि नहीं। मैं अब भी आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे देखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे इसको मूव करके देख रही हूँ ये मूव कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तब एक प्रोसीड्योर, और अगर कर रहा है तो और एक प्रोसीड्योर। अगर नहीं कर रहा है तो अब आपको ऐसे प्लेट लगा के उल्टा करके लेना पड़ेगा, पर उसमें थोड़ा डेंजरस होता है, हाथ में मेरी तेल आ जाता है। मैं ये स्किप करती हूँ। मैं कर लेती हूँ मूव करा के देख लेती हूँ। अगर मूव कर रहा है तो मैं ऐसे प्लेट में ले लेती हूँ एक साइड फ्राई होने के बाद। तो ऐसे मीडियम फ्लेम में 10 मिनट्स लगता है एक साइड फ्राई करने के लिए। देखिए मैंने उठा लिया, अभी इसमें ये ईजिली आ गया। अगर नहीं आता तो उल्टा करके प्लेट करना पड़ता है। उसमें वेरी केयरफुल रहिए, कभी कभी हाथ में तेल आ जाता है, गर्म तेल थोड़ा डेंजरस होता है। अभी उल्टा कर दूंगी और इसमें चीज़ ग्रेट करके और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो दे दूंगी। तो मैं बोल रही थी ना, ये आप खुद ग्रेट करके भी दे सकते हो। आजकल से मार्केट में भी मिलता है, वो भी लेके आ सकते हो। मैं यूजुअली नॉर्मल जो चीज़ होता है वही लेके आती हूँ, और जो क्यूब होता है और वो अच्छा से ग्रेट करके ऐसे दे देती हूँ। उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी लो फ्लेम में 5 to 10 मिनट्स इसको रखूँगी। और देखिए ये मेल्ट हो गया है, कितना अच्छा पिज्ज़ा रेडी हो गया। एक्चुअली ये सचमुच के बहुत ही टेस्टी वाला पिज्ज़ा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रोटी से बना हुआ पिज्ज़ा है। इसके ऊपर आप जब चीज़ दे रहे थे तब, अगर नॉनवेज खाते हो तो चिकन क्यूब वगैरह दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, मशरूम दे सकते हो, कॉर्न दे सकते हो, या ऑनियन और टोमेटो भी दे सकते हो। मैं तो आज प्लेन वाला ही दिखा रही हूँ, सबसे सिंपल वाला। देखिए इतना अच्छा पिज्ज़ा बन गया है घर में। अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे मन नहीं हो रहा है रोटी खाने के लिए, नहीं खाऊँगा नहीं खाऊँगी, तब ऐसे बना के दीजिए, वो लोग खुश हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रही हूँ। हर घर में ये प्रॉब्लम होता है, मेरी घर में भी होता है कि रोटी नहीं खाना है, तो ऐसे मैं मेरे बेटे को बना के देती हूँ। तो आप भी बना लीजिए, और इसके साथ आप ऊपर पनीर सॉसेस कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एंड करती हूँ। फिर खिचड़ी की जो रेसिपी की रिक्वेस्ट आया है वो बहुत जल्दी लेके आती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।